नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक सरकारी नौकरी लेके आए हैं। जियो निकल रही है वन विभाग से, तो वन विभाग से फाइनली जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है और फॉर्म भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें जो है आपको पोस्ट मिलेगी वन दरोगा वन रक्षक की। तो प्रथम बात करते हैं वन दरोगा की, कितनी पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है। तो वन दरोगा के लिए आपको 316 पद यहाँ वन दरोगा के मिल रहे हैं। यदि आप इसमें भर्ती प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स दिखाई जाएगी, कैसे अप्लाई करना होगा, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा और यहाँ कितनी एज वगैरह रखी गई है। तो प्रथम बात करते हैं यहाँ वन दरोगा की पोस्ट के लिए। तो वन दरोगा के लिए टोटल पोस्ट है 314। इसके बाद में यहाँ बताया गया है कि यहाँ अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताया है कि अलग अलग कैटेगरी, ये देख सकते हो वन दरोगा वन विभाग की वैकेंसी है। इसके बाद में वन रक्षक की पोस्ट है। तो यहाँ देख सकते हो टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज जो है अजा के लिए अनुसूचित जाति के लिए है 61 वैकेंसी आपको मिलेगी और अनुसूचित जनजाति के लिए 14 पोस्ट मिलेगी। अपीम को यहाँ 48 पोस्ट मिलेगी और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वैकेंसी आर्थिक पिछड़ा वर्ग, और इसके बाद यहाँ सामान्य वर्ग के लिए 162 वैकेंसी यहाँ इस भर्ती प्रक्रिया में टोटल आपको मिल रही है। तो एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया जारी हो गई है वन विभाग से ही। तो वन विभाग की काफ़ी समय के बाद ये भर्ती प्रक्रिया निकली है, तो इसमें जरूर फॉर्म अप्लाई करें। और आपको यहाँ कंडक्ट कर देते हैं कि इसकी एग्जाम आपकी मार्च और अप्रैल में होगी। मार्च और अप्रैल में इसकी एग्जाम होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे ऑफिशियली न्यूज पे हम आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करें यहाँ वेतनमान की दरोगा के लिए। तो वन रक्षक यानी वनपाल की यहाँ जो वेतनमान रखा गया है वो रखा गया है 29,200 से लेकर 92,300 रुपए लेवल 5 के अनुसार। आपको पता है कितना अच्छा वेतन है और पोस्ट भी यहाँ आपको अच्छी मिल रही है, जिसमें वन दरोगा, तो आप समझ सकते हो कि वन इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है। और इसमें आयु सीमा जो आप लोगों की बताई गई है कि 18 से लेकर 28 वर्ष की जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और कार्य प्रकृति के कारण अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पद का नाम है जो है स्थाई है, और ये जो नॉन गजेटेड है, और नॉन गजेटेड है अंशदायी पेंशन युक्ति, यानी आपको इसमें पेंशन वगैरह भी मिलेगी। और इसके साथ साथ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो नॉर्मली रखी गई है वो रखी गई है 10th पास, ठीक है, सॉरी 12th पास, यानी कि 12वीं पास, 12वीं पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ आप लोगों को बताया गया है कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, यानी कि आपकी उम्र सीमा कम है, जैसे कि अभी आपकी उम्र सीमा 18 है, तो आपको जैसे कि आपके तुलना में 26 वर्ष वाले कैंडिडेट्स ने अधिक नंबर और आपने जो है सेम नंबर प्राप्त किए हैं, तो 26 वाले को यहाँ मौका दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ जो है इसमें और बताया गया, किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए निम्न जो है न्यूनतम माप न रखता हो। तो नॉर्मली आपका जो चेस्ट वगैरह क्या होना चाहिए, तो चेस्ट होना चाहिए इसमें सर्वप्रथम बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट क्या रखी गई है 163, ठीक है, और चेस्ट आपका नॉर्मली 5 सेंटीमीटर का फुलाव करना है जैसे, ठीक है। इसके बाद में महिलाओं के लिए है 150 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों, तो ये तो हैं जो अदर जो कैंडिडेट्स हैं, जिसमें देख सकते हो हरियाणा आपका राज्य आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, और इसके बाद में आपके जो उत्तर भारत के जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि उनके लिए 163 सेंटीमीटर है। इसके बाद में यदि आप जो है मिजोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट क्या होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और 145 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रखी गई है, यानी कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल स्टेट कैंडिडेट अप्लाई, ठीक है, ऑल स्टेट कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ आप लोगों को बताया गया है, इसमें नेक्स्ट रूल ये बताया गया है, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण अपने कर्तव्य को दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में हस्तक्षेप की संभावना हो, तो इस प्रकार के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी में ऐसी सीधी भर्ती प्रक्रिया सेवा में पद नियुक्ति नहीं किया जाएगा जिससे सामान्य दृष्टि प्लस ऑब्लिक माइनस यहाँ पॉइंट 4.D से अधिक 2:6, यानी आपकी आँख होनी अनिवार्य है। इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताया गया है दौड़ संबंधित, यानी कि आपकी इसमें दौड़ कितनी होगी, तो इसमें यह बताया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रारंभ में जो नियम है उसमें 13 आपको नियम है, कुछ अपडेटिंग है अधिनियम, उसके आधार पर आपका इसमें फिजिकल वगैरह की डिटेल्स कंप्लीट करवाई जाती है। तो इसमें यह बताया गया है कि पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की जो दौड़ है, मतलब चाल है, दौड़ नहीं है, क्योंकि 25 किलोमीटर को आपको यहाँ समय दिया जा रहा है 4 घंटे, तो आराम से ये आप कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि यदि आप पैदल चाल, जैसे कि आप नॉर्मली चाल चलते हो उसी प्रकार यदि आप चलते रहोगे तो 100%
4 घंटे में आप ये कंप्लीट कर लोगे 25 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ महिला कैटेगरी से हैं तो आपको 14 किलोमीटर की रेस करनी पड़ेगी, यही आपको 4 घंटे मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में अधिकतम आपको जो है 4 घंटे दिए जाएंगे। यदि आप ये दौड़ प्रक्रिया कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है, तो हम आपको इसके जो है कुछ उपाय बताएंगे कि आपको ये भर्ती प्रक्रिया में कंप्लीट नहीं हो पा रही है दौड़। और इस भर्ती प्रक्रिया की बुक भी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री दी जाएगी। ठीक है, बुक भी फ्री दी जाएगी, हम जल्द ही आपको इसकी लिंक बता देंगे कि कहाँ से जाके आप ये बुक फ्री में खरीदें। तो अगले नेक्स्ट 2-3 दिन बाद में हम उस पर वीडियो बना देंगे तो अलग से वो बुक का। और इसके बाद में इसमें ये बताया गया है दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही घोषित किया जाएगा। शारीरिक कार्य परीक्षा में अनुपयुक्त पाए जाने वाली शारीरिक दशा परीक्षा में जो मापदंड पूरा नहीं किया गया है उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें नॉर्मली ये विशेषकर बताया गया है। और चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की एग्जाम होगी और 2 घंटे में आपको पेपर क्लियर कर देना है। ठीक है, आसान पेपर होगा और पेपर भी इतना हार्ड नहीं आएगा। और इसके बाद में यहाँ लिखित परीक्षा आपकी कितनी होगी, लिखित परीक्षा की भी यहाँ देख सकते हो, सामान्य और ओबीसी के लिए 45%, अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक लेकर आना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स ये तो होगी इसमें भर्ती संबंधी डिटेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वैकेंसी डिटेल देख सकते हो, कोई गलत जानकारी आप लोगों को नहीं दिखाई जा रही है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं वन विभाग के अंतर्गत वन दरोगा के 316 पदों पर सीधी भर्ती चयन हेतु विज्ञापन संख्या, यहाँ रिक्त संघों की संख्या बढ़ाई भी और घटाई भी जा सकती है। तो ये नहीं है कि ये संख्या नॉर्मली आपको 22 बताई गई है, यहाँ वैकेंसी को बढ़ा भी दिया जाएगा, यानी कि 500 वैकेंसी भी कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ वैकेंसी को घटाया भी जाएगा। इस प्रकार का जो अधिकार है विभाग के हाथ में है। विज्ञापन संख्या मतलब आज की डेट में विज्ञापन जारी हुआ है 18/12/2019 को। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 23/12/2019 यानी कि दिसंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, अभी नहीं हुआ है। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2020, नए साल की फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और लिखित परीक्षा का अनुमानित है माह अप्रैल में आपकी इसकी लिखित परीक्षा होगी, अप्रैल 2020 में लिखित परीक्षा होगी। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं आप यहां देख सकते हो, वेबसाइट है www.ssscuk.government.in पे जाके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन बोर्ड से वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। वन विभाग की बड़ी भर्ती प्रक्रिया के लिए आ गई है। तो मित्रों ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।